वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप ट्यूटोरियल लेकर के आई हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के बहुत ही सुंदर ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तब भी ये वाला लुक ट्रेडी कर सकते हैं और अगर आपकी शादी होने वाली है तब भी ये वाला लुक जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी वैसे भी बहुत ही सुंदर सा बहुत ही अच्छा फेस्टिवल आ रहा है हरितालिका तीज, जिसमें ये वाला लुक आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी नई नई शादी हुई है बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। दोस्तों अच्छा लगे आज का ये वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल के लिए सबसे पहले अपने फेस को यहाँ पे मॉइस्चराइज करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है NYBE का बहुत ही बढ़िया सीरम है, तो पूरे फेस पे काफी अच्छे से इसको ड्रॉप करके इस तरह से लगा ले और अपने हाथ की मदद से इसको काफी अच्छे से पूरे फेस में ब्लेंड करें, मॉइस्ट करें। इससे आपका फेस लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेट रहेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। दूसरा नंबर पे हम लेते हैं प्राइमर, तो यहाँ पे कलर बार का हमने प्राइमर लिया हुआ है, उसको लगा लेते हैं पूरे फेस पे डॉट डॉट करके। प्राइमर क्या करता है, आपके फेस को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट करता है और साथ के साथ ही आपके फेस का जो है पोर्स वगैरह को काफ़ी अच्छे से फिल करता है, जिससे फेस और फाउंडेशन के बीच में एक लेयर बन जाता है और फाउंडेशन कंसीलर आपके फेस के अंदर तक नहीं जा पाता है। इसलिए प्राइमर जरूर लगाएं जब भी कोई भी इस तरह का मेकअप करे। उसके बाद यहाँ पे SQ करके हमने बहुत ही बढ़िया सा हमारा लिक्विड सा फाउंडेशन है, इसको पूरे फेस में यहाँ पे डॉट डॉट करके हम लगा लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप साथ के साथ ही गर्दन पे जरूर लगाएं, नहीं तो गर्दन और फेस का जो कलर है बिल्कुल अनइवन दिखेगा। इसलिए अच्छे से पूरे फेस पे गर्दन पे अच्छे से डॉट डॉट करके लगाएं और फिर इसको काफी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करें डैब डैब करके। यहाँ पे आपको घसीटना नहीं है, आराम से जो है दोस्तों टाइम ले करके आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग बहुत ही जरूरी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तब भी ये वाला लुक आराम से ट्राई कर सकती है, बहुत ही ज्यादा हैवी लुक नहीं है, बहुत ही सुंदर सा लुक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है कंसीलर, NYBE का कंसीलर है। तो कंसीलर यहाँ पे दोस्तों हम अपने सेंटर ऑफ फेस को लगाते हैं और साथ के साथ ही जहाँ पे भी आपको जैसे कि काले घेरे हैं, डार्क सर्कल्स वगैरह है, उसको हाइड करने का काम करता है। तो जैसे कि आपकी आंखों के नीचे आईलिड पे, फोरहेड पे और आपके नाकों के ऊपर और साथ के साथ ही आपके होंठ के चारों साइड में यहाँ पे आपको कंसीलर की जरूरत पड़ती है। इसको लगा करके काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्यूटी स्पंज की मदद से, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। तो जहाँ पे भी कंसीलर लगाया है वहीं पे आपको डैब डैब करके इसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कंसीलर पूरे फेस में दोस्तों नहीं लगता है, इसलिए कंसीलर आप जहाँ पे बताएं वहाँ पे लगाएं। और NYBE का हमने यहाँ पे लिया बहुत ही बढ़िया हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो कंसीलर और हमारा फाउंडेशन है उसको बहुत ही अच्छे से सेट करने के लिए आपको कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर की जरूरत पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छे से सभी जगह इसको लगा करके फाउंडेशन और कंसीलर को सेट कर ले। एले गर्ल का हमने यहाँ पे लिया है शेडो पैलेट, सबसे पहले हमने यहाँ लेना है ट्रांजिशन कलर, तो हल्का सा ब्राउन वाला शेड जो होता है दोस्तों वो ले लेते हैं, लाइट ब्राउन शेड है। और इसको अपने आईलिड पे काफ़ी अच्छे से इस तरह से रख ले कोई भी ब्रश की मदद से और फिर उसके बाद आपको इसको ब्लेंड करना है। तो जितना भी आपको डिजायर कलर चाहिए उतना आपको कलर ले करके और काफ़ी अच्छे से लीड पे रखे और फिर काफ़ी अच्छे से फ्लफी ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड आउट करना है। तो सर्कुलर मोशन में आपको काफ़ी अच्छे से जो इसके एजेज होते हैं उसको आपको ब्लेंड करना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे और बहुत ही बढ़िया आपका जो ट्रांजिशन कलर दिखे। तो ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा जो डार्क वाला रेड होता है, ब्राउन या मरून शेड आप बोल सकते हैं, वो शेड लिया हुआ है और आउटर कॉर्नर पे आपको यहाँ पे ले लेना है आईलिड के जो आउटर वाला पार्ट होता है नाकों का, वहाँ पे रखना है इसको और ले करके काफ़ी अच्छे से आपको अंदर की इसको ड्रैग आउट करना है। यहाँ पे क्या होगा, आपको दो कलर का ट्रांजिशन लुक देना है, लुक जो है थोड़ा सा स्मोकी वाला भी आएगा और जो ब्राइडल वाला लुक होता है बिल्कुल ऐसा ही आएगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड लुक नहीं है, बहुत इजी सा लुक है। उसके बाद यहाँ पे शिमर शेड है जो कि गोल्ड वाला शेड है, तो जो आउटर हमारा अंदर का जो कॉर्नर होता है इनर कॉर्नर, वहाँ भी ये गोल्ड वाला शेड ले करके और फ्लैट ब्रश की मदद से आपको उसको काफ़ी अच्छे से लगा लेना है। और जो हमने पहले वाला शेड जो आउटर कॉर्नर पर लगाया था उसको और इस कलर को काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर मर्ज करना है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसको मर्ज नहीं करें, दोनों के बीच का जो लाइन होता है उस लाइन को एक दूसरे में मर्ज करना है ताकि दोनों का कलर जो है ना एक दूसरे में ब्लेंड दिखे और बिल्कुल भी कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। देख सकते हैं लुक आंखों का कितना अट्रैक्टिव आया है। उसके बाद अपने आईब्रो को फिल करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमारा जो है ब्रो पोमड है, तो ब्राउन शेड का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और काफ़ी अच्छे से डायगोनल जो तिकोना वाला ब्रश होता है ना उसकी मदद से अपने आईब्रो को फिल करेंगे। इससे आपका आईब्रो का लुक भी थोड़ा सुंदर और खूबसूरत लगेगा और जितना आपको डार्क चाहिए उतना हिसाब से आपको यहाँ पे आईब्रो को फिल करना है, बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कॉम ब्रश की मदद से काफ़ी अच्छे से इसको मर्ज कर लेना है जिससे बिल्कुल अनइवन ना लगे और आपका आईब्रो बिल्कुल सेट लगे।
उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आया का हमारा जो है बहुत ही बढ़िया सा जेल आईलाइनर है, तो यहाँ पे हम जेल आईलाइनर लगाएंगे। अगर आपको लिक्विड आईलाइनर लगाने में कंफर्टेबल नहीं है तो ये वाला लाइनर जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमारे बहुत ही अच्छा लाइनर लगता है ये, और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं लगता है। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी ये वाला लुक ट्राई कर सकते हैं, ये वाला लाइनर जेल आईलाइनर ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मस्कारा करेंगे, मस्कारा के लिए हमें बहुत ही बढ़िया हमारा मस्कारा है, कर्लिंग मस्कारा है, तो अपने लैसेस को जरूर कर्ल कर लें। अगर आप फॉल्स लैसेस का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले आपको लैसेस को कर्ल करने हैं। अब लोअर लैशन पे हम चलते हैं, लोअर लैशन पे भी आपको सेम इफेक्ट देना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रांजिशन कलर लगाना है, जैसे कि आपने ऊपर में लगाया है तो लोअर का जो वाटर लाइन एरिया होता है उसके नीचे आपको ट्रांजिशन कलर लगाना है, और फिर आउटर कॉर्नर पे जो आपने डार्क वाला मरून वाला शेड लिया था वो शेड लगा लेना है आपके आउटर कॉर्नर पे, और इनर कॉर्नर पे आपको सेम हमारा गोल्ड वाला शेड है वो लगा लेते हैं, तो बिल्कुल ऊपर का जो इफेक्ट है लोअर लैशन पे भी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको लोअर लैशन पे भी हमने मस्कारा लगा लिया है। मैबलिन के यहाँ पे मास्टर क्रोम जो है हमारा कंटूर पैलेट है, तो थोड़ा सा अपने फेस को कंटूर करेंगे जिससे आपका फेस थोड़ा सा शेप में लगेगा, और बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि बिल्कुल अलग सा लुक आया है। थोड़ा सा फेस को में वॉर्थ भी ऐड करता है हमारा, और यहाँ पे आप ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कलर वर्क हमने लिया है बहुत ही बढ़िया ब्लश है, तो ब्लश लगाना जरूरी है दोस्तों। अगर आप नई नई मेरी दुल्हन है, नई मेरी दुल्हन जैसा दिखना चाहते हैं तो ब्लश जरूर लगाएं, थोड़ा ज्यादा करके लगेगा तो और भी अच्छा है, फेस में स्माइल करते हुए आपको ब्लश लगाना है। हाइलाइटर के लिए यहाँ पे मैबलिन का मास्टर क्रोम हमारा बहुत ही बढ़िया हाइलाइटर है, तो गोल्ड वाला शेड है दोस्तों, दुल्हन का लुक है तो गोल्ड गोल्ड दिखना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ फेस पे और जहाँ पे भी उभरे हुए पार्ट से आपके वहाँ पे लगाएं, जैसे कि गालों के ऊपर, नाक के ऊपर, फोरहेड पे, अपने गाल चिन के ऊपर, ये सभी जगह पर आपको लगाना है, होंठ के ऊपर लगा लें, और फिर नाक पे एक ब्रिज जैसा जरूर बनाएं। आप जो है यहाँ पे गालों के ऊपर थोड़ा ज्यादा करके लगाएं, आईब्रो को जस्ट नीचे लगाएं, ब्रो बोन जो होता है वहाँ पे लगाएं, और आपके आई कॉर्नर पे। तो दोस्तों यहाँ पे आंखों का फाइनल मेकअप के लिए हमने काजल नहीं लगाया है, तो यहाँ पे हमने लेना है ब्लैक कलर का एसक्यू का काजल, स्टिक वर्की का, बहुत ही बढ़िया सा डीप ब्लैक है, आपके दुल्हन वाले लुक में चार चांद लगा देगा। तो ये वाला काजल अपने जो है लोअर वाटर लाइन एरिया पे लगा ले, आप अगर आंखों को थोड़ा क्लोज करके लगेगा तो ऊपर का भी वाटर लाइन एरिया पे बहुत अच्छे से लगेगा। एसक्यू स्टिक वर्की का बहुत ही बढ़िया हमारा से ये लिपस्टिक है, जिसके अंदर 12 शेड से अलग अलग शेड से बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक है। तो यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ रेड वाला, और बहुत ही खूबसूरत सा शेड हमारे लिप के लिए, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा शेड अपने होठों पे लगाएं, और लास्ट में अपने मेकअप को फिक्स करेंगे यहाँ पे लॉरियल का इन्फ्लेमेबल मेकअप फिक्सर से, इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और ब्यूटी स्पंज की मदद से इसको सेट कर ले, और फाइनली आप इस तरीके से तैयार हो सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर जो है आप इसके हिसाब से रेड कलर का साड़ी, ज्वेलरी, मांग टीका, नथुनी और अंगूठी, चूड़ियाँ वगैरह जो है भर भर के पहने, तो बिल्कुल जो है एकदम दुल्हन वाला लुक में आ जाइएगा। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तब भी इस तरीके से तैयार हो सकते हैं, और अगर आपकी शादी होने वाली है तो दोस्तों अपने से खुद से भी इस तरीके का ब्राइडल मेकअप घर पे खुद से कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये ट्यूटोरियल, बहुत ही सिंपल और ईजी सा लुक, बताइए ज़रूर कमेंट्स करके, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सबसे फिर से मिलते हो एक नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।